हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे और ये वीडियो नंबर सेकंड है इस सीरीज़ की। तो आप लोग देखिएगा, फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप फर्स्ट वीडियो की लिंक देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको क्या सर्च करना है, यूट्यूब पे आप सीट इन नीट चैनल ये पूरा आप सर्च कर सकते हैं। आप तुरंत मेरे चैनल पे आपको जाएगा, जैसे ही आप सर्च करेंगे फिर वहाँ से आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो आप वीडियो देखने का सबसे अच्छा से आप कैसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप चेक करिए, प्लेलिस्ट की वीडियो पूरी देखिए, प्लेलिस्ट वाइज देखिए। जैसे आप कोई काफ़ी नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन, उस नोट डाउन में एक प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो के नाम है ऐसे नोट डाउन करते जाइए और उस नाम में जितनी वीडियो है देखने के बाद फिर सेकंड नेम ऐसे फॉलो करते जाइए। तो चलिए, सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं और सभी ये प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तो आप लोग के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया किसको कहते हैं, जब ग्लाइकोस्यूरिया इज द हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन, जब यूरिन में शुगर की मात्रा अधिक आने लगती है ड्यू टू इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से, तो उसी को ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी देखिए, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन, तो उसको ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। ग्लाइकोस्यूरिया मीन्स ग्लूकोज का आना हाई लेवल में, तो 41 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन रेगुलेटेड मतलब कितना यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है, तो उससे कौन सा हार्मोन है जो ये रेगुलेट करता है, एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन एडीएच, तो इसमें एल्डोस्टेरॉन ए भी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आप लोग देखिए क्या लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा ही है, क्या लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा है एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट करेंगे। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन आप पढ़े होंगे, एल्डोस्टेरॉन एंटीडायबिटिक हार्मोन होता है और एडीएच एंटीडायबिटिक हार्मोन होता है, और एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एल्डोस्टेरॉन को क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन को साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, साल्ट आर ई टी ए आई एन आई एन जी, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसको कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच को कहते हैं। तो डी ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन को दोनों हार्मोन ही रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, स्किन, स्किन क्या कह रहा है कि स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन और रिस्पायरेशन, अब स्किन कह रहा है किसमें, मतलब मेन आर्गन होता है रिस्पायरेशन करने के लिए, स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन लेता है मतलब रिस्पायरेशन करता है, तो वो कौन सा है, ह्यूमन के थ्रू, ह्यूमन करता है, फ्रॉग या फिर रैबिट या लिजार्ड, तो एकदम सही ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब फ्रॉग जो होता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है, क्यूटेनियस मीन्स क्या होता है, स्किन ही होता है, स्किन को क्या कहते हैं, क्यूटेनियस कहते हैं, सी यू टी ए एन आई ओ यू एस, एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कौन करता है, तो फ्राक करता है, फ्राक्स क्यूटेनियस मीन्स स्किन के थ्रू, फ्राक्स जो होता है मेढक जो होता है ना, ये तीन तरीके से रिस्पायरेशन करता है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, क्यूटेनियस करता है सब बक्को फाइनेंजियल करता है मुख के थ्रू और लंग्स के थ्रू भी करता है, तो मेढक जो होता है इसमें रिस्पायरेशन थ्री जगह से करता है, तीन जगह से, और एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ऑलवेज हमेशा रिस्पायरेशन जो फ्रॉग्स होता है वो किसके थ्रू करता है, तो क्यूटेनियस ही सबसे अधिक करता है, सबसे, अगर वो ज़मीन पे रहता है तब भी क्यूटेनियस करता है, जल में रहता है तब भी क्यूटेनियस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे आप, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द कंडीशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्रीज इन यूरिन, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन जो होता है क्या हो जाता है, कंडीशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी इंक्रीज जब हो जाती है, तो क्या कहते हैं उस कंडीशन को, डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं, इन डायबिटीज मिलाइटस कीटोन बॉडी सिंथेसिस इंक्रीज ड्यू टू सेलुलर स्टारवेशन,
तो भूख जब रहती है, जब फास्टिंग के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब डिग्रेडेशन होकर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना, डायबिटीज़ मिलाइटस होने का होता है, तो फिर कीटोन बॉडी सिंथेसिस अधिक हो जाती है। तो डायबिटीज़ मिलाइटस आप अच्छे से देख लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। जब क्या होता है आफ्टर मतलब जब डिलीवरी होती है उसके बाद कह रहा है कि कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होता है मिल्क को सिक्रीशन में, तो इसमें तो ऑक्सीटोसिन नहीं दिया तो आप प्रोलैक्टिन ही लगाएंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मिल्क इजेक्शन कौन सा हार्मोन होता है, तो मिल्क इजेक्शन जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, और अगर मिल्क प्रोडक्शन पूछे, मिल्क सिंथेसिस पूछे, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ही होती है। तो ये देख लीजिए, प्रोलैक्टिन सिक्रीटेड फ्रॉम पिट्यूटरी रिस्पांसिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, एंडेमिक ग्वाइटर इज स्टेट ऑफ। एंडेमिक मीन्स एक पर्टिकुलर ग्वाइटर जो होता है स्टेट, किस स्टेट पे, तो इंक्रीज थायरॉयड फंक्शन और नॉर्मल थायरॉयड फंक्शन, इसमें डिक्रीज थायरॉयड फंक्शन। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, तो इसमें आप देखे भी होंगे ये क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है। T3 and T4 एक क्या होता है ग्वाइटर, थायरोक्सिन हार्मोन भी होती है ना उससे रिलेटेड, तो इसमें एंडेमिक ग्वाइटर क्या होता है, एंडेमिक ग्वाइटर जो होता है इसमें थायरॉयड ग्लैंड जो होती है इनलार्जमेंट हो जाती है, तो डिक्रीज थायरॉयड फंक्शन जो होता है एंडेमिक ग्वाइटर में क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्योंकि ग्वाइटर जब एक ग्वाइटर किसके वजह से होती है, आयोडीन जो होता है, नमक में आयोडीन होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो जैसे फूड में आप वाटर में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तब हो जाता है, जैसे पर्वतीय एरिया में कुछ एरिया में एंडेमिक ग्वाइटर इज ड्यू टू लो आयोडीन सॉयल एंड वाटर हिली एरिया में, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आइसलेट लैंगरहैंस एक सेल होती है, ये पैंक्रियाज में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन एंडोक्राइन पैंक्रियाज, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। जैसे पैंक्रियाज होता नहीं है, जैसे ये होता है, ये स्टमक यहाँ से होता है, यहीं से स्टमक होता है, ये स्टमक हो गया, स्टमक के जस्ट आप देखेंगे तो यहीं पे जब ड्यूडेनम जाती है ना, तो यहीं पे ये पैंक्रियाज मान लीजिए यहीं पे होता है पैंक्रियाज। अब ये पैंक्रियाज में क्या होता है, पैंक्रियाज में ये सेल पाई जाती है। पैंक्रियाज को एक बार क्वेश्चन तो काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं कि नहीं, तो पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड GLAND मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, हेटरोक्राइन भी ग्लैंड कहते हैं, HETERO हेटरो CRINE हेटरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, किसको, पैंक्रियाज को। और पैंक्रियाज में कौन सी इसमें क्या होती है, इसमें एग्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है। एग्जोक्राइन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पैंक्रियाज में एग्जोक्राइन ग्लैंड एग्जोक्राइन पार्ट से एंजाइम सिक्रीट होता है, और इंडोक्राइन पार्ट से क्या सिक्रेट होता है, हार्मोन सिक्रेट होता है, तो इग्जोक्राइन पार्ट कितना होता है, 98% तो इग्जोक्राइन पार्ट होता है, 2% इंडोक्राइन पार्ट होता है, तो यहीं से इसी में इंडोक्राइन पार्ट में लैंगरहैंस सेल पाई जाती हैं। लैंगरहैंस सेल्स आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल जो होती है ये इंडोक्राइन पार्ट को दर्शाती है, तो इसी सेल से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, अल्फा सेल्स यहाँ लिख सकते हैं, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैंक्रियाज में जो अल्फा सेल्स होती है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, तो अल्फा जी मीन्स ग्लूकागन, GLUCA ग्लूका GON ग्लूकागन सिक्रेट होती है, और बीटा सेल से क्या होती है, बीटा सेल से सिक्रेट होती है इंसुलिन सिक्रेट होती है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो ये चीज़ हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इंडोक्राइन पैंक्रियाज से कौन सा आइसलेट लैंगरहैंस शो करती है, इंडोक्राइन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और ये इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देती है। एड्रेनालिन हार्मोन जो होती है रिलीज होती है स्ट्रेस कंडीशन में, एंड रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। एड्रेनालिन ग्लैंड जो होती है, एड्रेनल ग्लैंड में क्या होता है, पिट्यूटरी वो होती है ना, कार्टेक्स एंड मेडुला पार्ट दोनों होते हैं,
अब एड्रिनल ग्लैंड में एक अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को ए ऐसे लिख सकते हैं आप, एड्रिनल ग्लैंड ADRENAL एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पूछा था एक बार। एड्रिनल ग्लैंड को एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है इमरजेंसी ग्लैंड, EMERGENCY इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, या फिर सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को ये सब नाम जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। सुपरा SUPRA सुपरा RENAL रीनल ग्लैंड, सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका करेक्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा रिलेट नहीं करता, नॉट रिलेट करता है, तो पेरिस्टाल्सिस तो अपने आप ही होता है तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेट करेगा, डाइजेशन भी अपने आप होता है, अपने इच्छा अनुसार थोड़ी ये कि आज हम डाइजेशन नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप क्रिया हो, इसक्रीशन भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, बट मेमोरी एंड लर्निंग मतलब सोचना तो अपने ऊपर है ना, मेमोरी थिंकिंग करना तो अपने ऊपर है, हम मन करेगा सोचेंगे, नहीं करेगा नहीं सोचेंगे, तो ये तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी जितने भी फंक्शन होते हैं उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ऑफ द विसरल ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 50 नंबर, कंप्रहेंशन मीन्स थिंकिंग चिंता ऑफ स्पोकन बोलना एंड रिटर्न लिखना वर्ड टेक्स प्लेस इन द रीजन ऑफ, अब ये किस रीजन, ब्रेन में अलग अलग पैराइटल एरिया अलग अलग एरिया होती है ना, तो उस हिसाब से क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ब्रेन में पैराइटल होती है, फरेंटल लोब्स होती है, तो उसी एरिया में एक ब्रो क्या होती है, कह रहा है कंप्रहेंसिंग जो चिंतन एरिया होती है जिससे स्पोकन एरिया, तो उसी एरिया से रिलेटेड कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें एसोसिएशन एरिया मोटर एरिया बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में आपका बर्निक्स एरिया दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो बर्निक्स एरिया होती है, बर्निक्स एरिया जो रिस्पॉन्सिबल होती है अंडरस्टैंडिंग स्पीच के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें बर्निक्स एरिया को सेंस ऑफ स्पीक के लिए होती है, कभी भी स्पीक पूछे ना स्पीक के लिए तो बर्निक्स एरिया आप हमेशा लगाएंगे। और ये चीज़ है, बर्निक्स एरिया एक बार पूछा था किस लोब में पाई जाती है, तो टेम्पोरल लोब में, ब्रेन के कौन से लोब में पाई जाती है बर्निक्स एरिया, टेम्पोरल TEMPORAL टेम्पोरल लोब, ये होती है ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 51 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज कैरिंग मतलब ले जाती है नर्व फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इडिंगनर बेस्ट फॉल न्यूक्लियस से, कौन सा ओरिजिन होती है किस क्रेनियल नर्व की, तो वो होता है आक्लूमेटर, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए आक्लूमेटर नर्व है, जो आक्लूमेटर न्यूक्लियस एंड इडिंगनर बेस्ट फॉल न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 52, हाउ मेनी लैमिनी आर प्रजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड, कितने लैमिनी प्रजेंट होती है ग्रे स्पाइनल के ग्रे मैटर में, तो होती है 10, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर आप लोग इसमें कौन सा 10 लगाएंगे, क्योंकि 10 होगा, हाउ मेनी लैमिनी आर प्रजेंट द ग्रे मैटर, स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर में कितनी लैमिनी प्रजेंट होती हैं, तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 53, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 53, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, क्वेश्चन कह रहा है जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो कौन सी क्या इसमें डिफेक्ट होता है, तो आप आई में देखेंगे फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती हैं, राड होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स, राड्स एंड कॉन्स पाई जाती हैं, ये क्या होती हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं।
तो इसमें जो कॉन्स होता है ना, जो कॉन्स सेल होती है ये क्या होती है, फोटो पिगमेंटेड होती है, मतलब जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये लाइट को क्या कहती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं इस कलर के लिए। तो इसमें ड्यू टू डिफेक्ट क्या डिफेक्ट हो जाता है, कॉन्स सेल का डिफेक्ट हो जाती हैं। तो जो फोटो रिसेप्टर सेल कॉन्स होती है यही डिफेक्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लीजिए। EMRI इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन। तो MRI जो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, जो MRI CT स्कैन जो कराया जाता है MRI, ये किस केस में नहीं कराया जाता, अगर प्रेजेंस ऑफ पेस मेकर इन बॉडी प्रेजेंट है तो नहीं कराते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रेग्नेंट ओमेन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेग्नेंट ओमेन का MRI नहीं कराया जाता, क्योंकि उस पर जो फीटस होता है ना उस पर इफेक्ट कर जाता है। इट इज यूज इन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किया जाता है MRI में, बट यूज ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू अलाइक द न्यूक्लियर मैग्नेटाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन वाटर इनसाइड बॉडी, तो ये चीज होती है इफेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कैडमियम पोल्यूशन। तो कैडमियम एक क्या होता है, मेटल होता है, तो ये कैडमियम की वजह से अगर कैडमियम पोल्यूशन हुआ है कैडमियम से, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में ये होता है, अगर कैडमियम से कौन सी डिजीज होती है, इटाई। अगर मरकरी दिया होता तो कौन सा डिजीज हो जाता है, मिनीमाटा एक डिजीज होती है ना, तो ये होता है मिनीमाटा डिजीज। किससे होता है, मिनीमाटा डिजीज जो होता है MATA, मिनीमाटा डिजीज मरकरी से होता है, कैडमियम से इटाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इटाई उच्च डिजीज इसी को कहते हैं, इज ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग इन द ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट इन टू स्केल्टल डिफॉर्मिटी होती है, जो स्केल्टन होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है इस डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, परसेंटेज पूछ रहा है, कंपोजिशन ऑफ फाइब्रोइन एंड सेरिन इन सिल्क। सिल्क में फाइब्रोइन एंड सेरसिन का क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, तो फाइब्रोइन इज द कोर सिल्क, सिल्क का कोर फाइब्रोइन ही होता है, एंड सेरसिन जो होती है इज द सरफेस गम्स लाइक कंपाउंड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 80% तो फाइब्रोइन ही होती है जो सिल्क के कोर में होती है, सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड हमको बताना है इसमें से कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, टाइगर बीटल, कैटरपिलर लार्वा स्टेज ऑफ इंसेक्ट, सिल्क मॉथ इज यूज इन सिल्क कल्चर, एंड ये देख लीजिए, माजरा पोका इज द पैडी पेस्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाई हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो मधुमक्खी होती है, हाउस फ्लाई, उससे कौन सी डिजीज क्या होती है, फैलती है, तो डेंगू फीवर, इंसेफ्लाइटिस या फाइलेरिया, टाइफाइड। तो टाइफाइड डिजीज किससे होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है, तो ये हाउस फ्लाई के थ्रू स्प्रेड होती है, अदर आर स्प्रेड बाई मॉस्किटो के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में होगा, तो इकाइनोडर्मेटा, पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि इकाइनोडर्मेटा के मेंबर कौन से हैं इसमें, जो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर होगा उसी में होगा, तो सी कुकुम्बर। इकाइनोडर्मेटा का स्पेशली ये करेक्टर ही होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जिसे लोकोमोशन, मूवमेंट, फूड गैदरिंग ये सब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ लेक विल काज। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, अगर झील में न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट मतलब न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाए तो क्या काज हो जाएगा, तो उसी को यूट्रोफिफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिफिकेशन, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी इज बेसिकली ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट। नाइट्रेट एंड फास्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है ना, यूट्रोफिफिकेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो मछलियाँ जंतु रहते हैं वो पॉइजनस की वजह से धीरे धीरे मरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन आर डिस्क्राइब इज इंडिकेटर। लाइकेन जो होता है, प्लांट होता है, ये किसका इंडिकेटर होता है, तो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। लाइकेन आर इंडिकेटर प्लांट एयर पॉल्यूशन, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए मेनली क्या होती है, लाइकेन होता है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। एयर फर्स्ट में ही दिया, यहाँ तो वाटर दे दिया, यहाँ सॉइल, यहाँ एग्रीकल्चर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62
देखिए, मोस्ट अबाउंडेंट मिनरल ऑफ एनिमल बॉडी इज, एनिमल बॉडी में मोस्ट अबाउंडेंट अधिकतर मात्रा में कौन सा मिनरल होता है, आयरन होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम या फिर कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बोन एंड आल्सो प्रेजेंट इन मसल्स एंड ब्लड, क्योंकि शरीर में बोन में मसल्स में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ही होती है अधिक, तो मैक्सिमम कैल्शियम ही होगा एनिमल के बॉडी में। ये देख लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाया जाएगा, हेमिकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा या वर्टिब्रेटा, तो लार्वा इज मोर डेवलप एंड हैज नोटोकार्ड एंड लोकोमोटरी ऑर्गन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 64, आर्गन ऑफ जैकबसन हेल्प इन, आर्गन ऑफ जैकबसन क्या हेल्प करता है, तो ये आर्गन ऑफ जैकबसन जो होती है ये आल्सो कॉल्ड बोमिर नेजल ऑर्गन, तो ये बोमिर नेजल ऑर्गन इसको भी कह सकते हैं, किसको, आर्गन ऑफ जैकबसन को। इफ एन ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन होती है, सूंघने वाली ऑर्गन होती है जिससे स्मेल हम लोग लेते हैं, कॉमनली फाउंड इन रेप्टाइल्स, और एक किस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये ऑर्गन ऑफ जैकबसन हेल्प करती है स्मेल में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 क्वेश्चन कह रहा है सिस्टी सर्कस स्टेज इज फाउंड इन, सिस्टी सर्कस क्या है, सिस्टी सर्कस एक लार्वा है, अब लार्वा सिस्टी सर्कस किसका है, सिस्टी सर्कस लार्वा जब आप पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज में जब आप पढ़ेंगे टीनिया, टी ए ई एन आई ए, टीनिया को एक नाम से और जानते हैं टेप वार्म, इसी को कहते हैं टेप वार्म, इसी का एक लार्वा होता है सिस्टी सर्कस लार्वा होता है, और सिस्टी सर्कस ये किसका, मैन का प्राइमरी होस्ट ही होता है, और सिस्टी सर्कस को ब्लैडर वार्म भी कहते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं सिस्टी सर्कस को BLA DER ब्लैडर वार्म इसको कहते हैं, तो ये सिस्टी सर्कस किसका किसका मतलब स्टेज फार्म किस में होता है, तो टीनिया में, टीनिया टेपवर्म का ये लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस का कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा वायरस है जिसमें बोथ डीएनए एंड आरएनए दोनों पाया जाता है, वैसे तो सभी वायरस जितने भी वायरस होते हैं ना उसमें क्या होता है, या डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, दोनों नहीं पाया जाता, तो लेकिन कुछ बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो होते ही हैं, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है हमको वायरस ऐसे वायरस बताना है उस वायरस का नाम जिसमें डीएनए भी पाया जाए और आरएनए भी, तो एक्सेप्शन केस पूछ रहा है, तो ल्यूको वायरस, तो ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट हो जाएगा, ल्यूको वायरस में ये रिट्रो वायरस इसी को कहते हैं, इसमें प्रजेंट होता है बोथ डीएनए भी प्रजेंट होता है आरएनए भी प्रजेंट होती है, जब इसका ल्यूको वायरस की लाइफ साइकिल आप देखेंगे ना तो वहाँ पर डीएनए भी प्रजेंट होगा और आरएनए, तो ल्यूको वायरस आप लोग रट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 67 देख लीजिए, दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, अब जब एड्रिनल ग्लैंड में देखेंगे एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कार्टेक्स दो पार्ट में डिवाइड होती है एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, तो एड्रिनल मेडुला से ये हार्मोन क्या होती है, एड्रिनालिन एक हार्मोन सिक्रेट होती है जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं और इसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ड्यू टू एड्रिनालिन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, तो काफ़ी बार तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो वैसे एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होती है, बट एड्रिनल ग्लैंड का अगर एग्जैक्ट पार्ट पूछता है तो एड्रिनल मेडुला लगाना पड़ता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखिए, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय टीबी जिसको कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कौन सी बैक्टीरिया से बैक्टीरियल डिजीज ही होती है, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज या फिर एस्परजिलस या फिर क्लास्ट्रिडियम या विब्रियो स्पीसीज, तो टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी काज होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ये पल्मोनरी डिजीज होती है, पल्मोनरी मींस लंग से रिलेटेड डिजीज होती है, कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स की एल्वियोलाई की क्षमता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाड्रामस फिश, अब ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटाड्रामस, अब पहले तो कैटाड्रामस और एनाड्रामस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो कैटाड्रामस और एनाड्रामस जब आप क्या पढ़ेंगे,
आप पढ़े होंगे साइक्लोस्टोमेटा की फीस आप पढ़े होंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा में जब जाएंगे तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा का मीन्स कैटाड्रामस आपको समझा देते हैं डायरेक्ट। कैटाड्रामस का मीन्स होता है जैसे मान लीजिए जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा की जो जो मछलियाँ बच्चे पैदा करती हैं फीस ही पैदा करती हैं तो मान लीजिए ये कैटाड्रामस जो साइक्लोस्टोमेटा की जो फीस हैं वो मैराइन में रहती हैं मैराइन मीन्स समुद्र में रहती हैं तो समुद्र में रहती हैं सी में रहती हैं। अब ये जब बच्चा मतलब फिश पैदा करती हैं तो ये चली जाती हैं फ्रेश वाटर में चली जाती हैं नदी तालाब में चली जाती हैं बच्चा पैदा करने के लिए तो उसको क्या कहते हैं मैराइन से जब फ्रेश में जाती हैं बच्चा पैदा करने के लिए तो उसको कहते हैं एनाड्रामस कहते हैं। मैंने काफ़ी बार ये कॉन्सेप्ट बताया है एनाड्रामस एनाड्रामस कहते हैं समुद्र से फ्रेश वाटर में जाती हैं और जब वो बच्चा वहाँ पे पैदा कर देती हैं तो खुद तो मर जाती हैं वहीं पे फ्रेश वाटर में ही मर जाएंगी बट उनके जो लार्वा होते हैं ना वो लौट आते हैं फिर समुद्र में दोबारा मैराइन वाटर में लौट आते हैं इसी कंडीशन को कहते हैं कैटाड्रामस। अब ये ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये एंजुइला स्पीसीज की जो फिश होती हैं वो कैटाड्रामस शो करती हैं तो ये चीज़ हो जाएगा कैटाड्रामस फिश दैट लिव इन फ्रेश वाटर एंड ब्रीड इन सी। अब ये देखिए कह रहा है कि फ्रेश वाटर में क्या करती हैं लिव मतलब ब्रीड करती हैं ये बट ये सी में मतलब मैराइन में बाद में चली जाती हैं तो फ्रेश वाटर से मैराइन में जाना कैटाड्रामस ये कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखिए हुइच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास क्रस्टेशिया क्रस्टेशिया का कौन सा एनिमल इसमें है तो ये देखिए बी ऑप्शन साइक्लोप्स क्लास क्रस्टेशिया इंक्लूड साइक्लोप्स अदर ऑप्शन आर फ्रॉम क्लास इंसेक्टा जितने भी हैं ये सब इंसेक्टा क्लास के हैं बट क्लास क्रस्टेशिया का एक ही है साइक्लोप्स तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन रेडुला इज फाउंड इन रेडुला मोलस्का में पाया जाता है अब आपको देखना है मोलस्का का कौन सा है तो पाइला स्पीसीज जितनी होती हैं और रेडुला उसमें पाया जाता है। रेडुला क्या होता है एक फाइल रेस्पिंग आर्गन होता है जिससे वो भोजन वोजन पकड़ के खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देख लीजिए द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन का साइंटिफिक नेम क्या है तो होमो इरेक्टस इरेक्टस तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा होमो इरेक्टस इरेक्टस को जावा मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 73 हुइच फेज कम्स इन बिटवीन G1 एंड G2 फेज सेल साइकिल ऐसे सेल साइकिल होती है इसमें एक G1 होता है फिर यस होता है फिर G2 होता है G1 यस G2 तो यही कह रहा है G1 और G2 के बीच कौन सी स्टेज पाई जाएगी सेल साइकिल में तो ये एम फेज पूरी होती है तो ये चीज़ तो अब इसमें यस फेज तो सही हो जाएगा ना तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर इसमें आप लगाइए सी ऑप्शन हुइच फेज कम्स बिटवीन G1 एंड G2 फेज बीच में कौन सा फेज तो यस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देख लीजिए हाउ मेनी इफेक्टिव कोडांस आर दियर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए कितने हाउ मेनी इफेक्टिव कोडांस होते हैं तो 61 कोडांस तो ये देखिए आउट ऑफ 64 टोटल तो 64 कोडांस होते हैं ना बट 61 कोडांस ही कोड करते हैं अमीनो एसिड को 61 कोडांस फॉर द अमीनो एसिड को कोड करेंगे और द रेस्ट जो आपके तीन और बचते हैं 64 में से 61 ही कोड करते हैं और तीन बचते हैं तो तीन ये जो होता है ऐसे याद करिए उआ उगा उग ये जो तीन होते हैं स्टॉप कोडान होते हैं तो ये स्टॉप काफ़ी बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टॉप कोडान है तो ऑप्शन में तीनों दिए रहते हैं तो ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन कराया है। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम ये समझिए 2021 में सभी स्टूडेंट को देना है तो जितनी भी वीडियो है चैनल पे प्लेलिस्ट सबकी मैं बना दिया हूँ सभी वीडियो आप लोग बार बार रिवाइज जरूर करें डेली टारगेट बना लीजिए। अभी जितने भी स्टूडेंट CET ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है ये जितने भी स्टूडेंट डाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी ये भी दे लें फिर अभी
ये जानिए KGMU लखनऊ का, फिर GSBM कानपुर का और CPNET सेफई इटावा का अगर फार्म आता है, वैसे आना भी चाहिए, आएगा तो आएगा कंफर्म है, तो आप अभी प्रिपरेशन चालू रखिए, अभी समय है लगभग 2 मंथ का, तो अभी आप ये KGMU और इसका तो ज़्यादा समय नहीं है, 1-1.5 महीने में आ जाएगा, 1 महीने में, तो CPNET का ही सबसे लेट आएगा, तो 2 मंथ मान के चलिए, तो अभी आप सब रिवाइज कर सकते हैं वीडियो, तो बाद में ऐसा मत बोलिएगा कि अब तो एक ही वीडियो बनाइए, सभी क्वेश्चन वहीं से हो जाएं, तो काफ़ी वीडियो रिवाइज करते रहें जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये देख लीजिए 75, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉल्ड मोनोसोमी, मोनोसोमी किसको कहते हैं, 2N-1 को ना मोनोसोमी कहते हैं, मोनोसोमी कंडीशन 2N-1 शो करती है, ए काइंड ऑफ एनिप्लॉयडी होती है, एनिप्लॉयडी का मीन्स क्या होता है, लॉस आर गेन ऑफ क्रोमोसोमी एब्सेंट हो जाता है ऑफ द होमोलोगस पोजिशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 76, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम जो बना होता है कैसे, DNA एंड हिस्टोन का, केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिपिकल क्रोमोसोम में DNA 40%, हिस्टोन 50%, तो 40-50-90 यही हो गया, और नॉन हिस्टोन 8.5, RNA 1.5, तो मेनली इसमें DNA और हिस्टोन का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के किस फेज में सेल डिवीजन जो होता है वो स्टॉप बंद नहीं होती, तो यस फेज में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द चेक पॉइंट आर बेसिकली प्रेजेंट इन द इंटरफेज, क्योंकि इंटरफेज में जो G1S G2 यही इंटरफेज होती है सेल साइकिल की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ DNA, अब ये स्ट्रक्चरल सब यूनिट, DNA का स्ट्रक्चरल सब यूनिट क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड ही होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। DNA इज द पॉलीमर ऑफ डाई डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मीन्स DNA। सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइकेबल, जो सेल थ्योरी होती है ये किस पे आप नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं लगा सकते, बैक्टीरिया पे तो सेल थ्योरी लगती ही है, फंगस पे भी लगता है, यल्गी पे भी लगेगी, बट वायरस पे सेल थ्योरी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वायरस में लाइक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है, जिससे सेल थ्योरी नॉट अप्लाइकेबल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन, ह्यूमन में जब आप मान लीजिए ह्यूमन का देखे होंगे आप, जब ब्लड प्रेशर आप चेक कराने जाते हैं ना, तो डॉक्टर लिखता नहीं है, डॉक्टर लिखता है कि इसका 120 है और 80 है, मतलब ये एकदम इनका ब्लड प्रेशर जो है एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, 120 ये जो ऊपर वाला होता है ना ये सिस्टोलिक होता है, और ये जो 80 होता है डायसिस्टोलिक होता है, तो ये दोनों अगर परफेक्ट रहेगा तो ये सही है, तो ये देखिए नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है और नॉर्मल डायसिस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है, और दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कैसे निकालते हैं, तो 120 में 80 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये देख लीजिए 120 में 80 आप लेस कर दीजिए तो 0 0 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, तो 40 आपका बच जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए सी ऑप्शन, 40 mmHg का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया, तो हम लोग 40 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और मेरा भी इस समय प्रैक्टिकल चल रहा है और क्लिनिकल ड्यूटी भी चल रही है, तो समय थोड़ा कम है, बट काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, तो अभी लोग आप प्लीज़ रिवाइज जितनी भी वीडियो है करते रहें, फिजिक्स केमिस्ट्री में कराऊंगा, बट अभी थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम प्रैक्टिकल और अभी क्लिनिकल ड्यूटी जैसे समय मिलेगा कराऊंगा सब, तो अभी जितनी वीडियो सब रिवाइज करते रहें और अपना सेल्फ स्टडी जम के करते रहें, तो थैंक यू, धन्यवाद।